आई थिंक मेरा घर ये कहता है कि आई थिंक बहुत ही कलरफुल है. आपको हर एक रूम में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी. जैसे आपको हॉल थोड़ा अलग दिखेगा, मेरा रूम एकदम फुल टीनेज दिखेगा, मॉम डैड का एकदम मॉम डैड जैसे दिखेगा, यू नो लाइक उनके पसंदीदा चीज़. तो आई थिंक मेरा घर ये कहता है कि हम सब ने ये जो घर है सब अपने अपने पसंद की चीज़ें रखी हुई है. तो आई थिंक क्या ये कहता है, एंड हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस. इंडिया फोरम्स, वेलकम, आपका स्वागत है मेरे घर पे. एंड आज हम कर रहे हैं मोस्ट अवेटेड सेगमेंट, हाउस टूर. यस, तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि मेरे घर में क्या है, मेरा घर कैसे दिखता है. मुझे बहुत मजा आने वाला है. सो वेलकम टू माय हाउस. तो चलिए देखते हैं हमारा पूरा घर. आइए, फ़ोटोज़ हैं मेरी कुछ ज़्यादा ही हैं, मतलब आप देखेंगे तो आगे देखेंगे मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं वो है. एंड एक नई चीज़ है जो मैं नहीं दिखाया है अभी तक, ये चीज़ ये हम चाइना से लेकर आए थे. आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, मतलब देखने में आपको लगेगा कि अरे वाओ, ब्लिंगी ब्लिंगी, यू नो इट्स समथिंग पटाखे जैसे दिखता है इनफैक्ट, बट एक्चुअली इट मीन्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस. यू नो होता है ना बहुत ही ब्राइट फ्यूचर, बहुत ही हैप्पी. एक्चुअली ये चाइना में न्यू ईयर जो होता है उस टाइम पे यू नो घर पे लगाया जाता है, और ये सबसे बड़ा सबसे ग्लिटरी था. तो इससे हमने सोचा कि हम यहाँ रखेंगे तो आई थिंक हैप्पीनेस सब एक्स्ट्रैक्ट करें, जैसे ड्रीम कैचर होता है वैसे. ये बॉक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे ग्लासेस रहते हैं यूजुअली, जैसे मुझे अच्छे लगते हैं. जैसे मैं बाहर जा रही होती हूँ तो मैं यहाँ से दो मिनट ऐसे देख लेती हूँ क्या अच्छा लगता है, तो इसे मैं पहन के चली जाती हूँ. बहुत सारे सन ग्लासेस हैं. जैसे मैंने कहा था एक इंटरव्यू में कि मेरे को मग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे जितने भी मेरे गिफ्ट्स हैं, जैसे रेडियो सिटी है, फिर जितने भी मैं चैनल में जाती हूँ, सेलिब्रिटी फेस हुआ, क्रॉसवर्ड, ये दो नए कप्स मेरे को वहाँ अच्छे से रखना है. तो हाँ, फुल कलेक्शन ऑफ मग्स. एंड नेक्स्ट पोलरॉइड कैमरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पोलरॉइड कैमरा, तो इसलिए मुझे ये बहुत ही क्यूट लगता है. बहुत सारे मेरे पास पोलरॉइड पिक्चर्स भी हैं. लेट्स टेक अ सेल्फी. देयर इट इज. मुझे बहुत अच्छा लगता है. अभी टाइम लगेगा ऑब्वियसली बिकॉज इट्स लोडिंग. तब तक मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फ़ोन, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन विद कवर्स, और मेरा स्पीकर बोस का. एंड ये मेरा फर्स्ट फ़ोटो शूट जो हमारा होता है, जो एकदम एक्टिंग करियर का जो मेरा इनिशियल डेज था, तब मैंने ये फ़ोटो शूट करवाई थी. आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने छोटे थे, लाइक इतने से बाल थे. एंड ये मेरा हॉल, तो फुल पांडा फैमिली फ्रॉम चिंगदू, तो सेन फैमिली के साथ पांडा फैमिली रहती है आजकल, और ये कैप भी है. ये है मेरे अवार्ड्स, ये मेरे रिसेंटली मुझे फेलिसिटेट किया गया है रायन से, क्योंकि मैं 12th में हूँ अभी, तो उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया क्योंकि झांसी भी चल रहा था प्लस मेरे शूट भी चल रहे थे, तो उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया है बहुत सारे. ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है, मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैं डांस में फ़र्स्ट आई थी, तो ये बहुत ही ख़ास है मेरे लिए क्योंकि मेरा फर्स्ट अवार्ड था और मैंने पहला अवार्ड यहाँ रखा था, उसके बाद इतने सारे अवार्ड्स हैं. तो या बुद्धा के हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए बुद्धा की बहुत सारी चीज़ें होंगी. ये भी बहुत अच्छी सी एक ऐसे नमस्ते है जैसे खोलने से भगवान के स्कल्पचर्स हैं. और ये हमें स्पीकर, टीवी, लाइकी के जितने भी अवार्ड्स हैं वो यहाँ दो लाइकी के अवार्ड्स रखे हुए हैं. ये है सब टीवी का अवार्ड. एंड बारबी मुझे बचपन में बहुत अच्छा लगता था, आई हैव ओवर 40 बारबी डॉल्स स्टिल विद मी. एंड ये है मेरे मेडल्स, मैंने कुछ मेडल्स जीते थे, एक हैंडराइटिंग का है, एक पापा ने मुझे दिया था आई गेस डॉटर्स डे पे, वर्ल्ड्स बेस्ट डॉटर. तो मुझे बहुत, मेरे सबसे स्पेशल अवार्ड वही है. मेरा फोटो, तो मैं अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या ऐसे
ऐसे क्यों पोज कर रही हूँ, मैं बचपन से बहुत पोज करती थी, मतलब जैसे ही कैमरा आता था ना से पोज हो जाता था, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फोटो। एंड ये है मेरा गिटार जिसके लेसन्स मुझे अभी स्टार्ट करना है, बीच में मेरा प्रैक्टिस छूट गया था, बट कोई बात नहीं, वापस सीख लेंगे। सो ये है मेरा ओवरऑल हॉल। एंड मुझे हम लोग यूजुअली, मैं मम्मी पापा यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। ये फ़ोटो महादेव की है एक्चुअली, मेरा सबसे ज़्यादा खास शो मैं बोलूँगी, क्योंकि महादेव ही एक ऐसा शो था, उसके बाद मैंने बहुत सारे शोज़ करने शुरू किए थे, तो ये पार्वती का रोल था, हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा। ये है किचन जहाँ मैं हार्डली जाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सिपर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हार्डली जाती हूँ, अगर मैं जाती हूँ तो खाना लेके वापस आ जाती हूँ। आई डोंट नो हाउ टू कुक। सिंडर, कैन यू मूव? ओके, नाइस, हाय, बाय, थैंक यू सिंड्रा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वे। ये है सिंड्रा का वॉशरूम और चिलिंग जोन और व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, एंड उसका बॉल भी वहीं रखा हुआ है। ये है मेरा स्टोर रूम, आपने देखा होगा जैसे हमने शू फेटिश किया था वो सारे यहीं पे है, ये स्टोरेज का एरिया, लाइक वेयर आई यू नो स्टोर माई शूज एंड स्टफ। यह है वॉशरूम, एंड देन दिस इज़ माई पेरेंट्स रूम, मम्मी पापा के रूम है ये। यहाँ मोस्टली कम डेकोरेशंस है बिकॉज हमने अभी डेकोरेशंस की नहीं है, बट यहाँ मेरी ड्रेसिंग टेबल है जो मेरे लिए बहुत खास है। मेरे को एक चीज़ दिखानी है, वो है मेरा परफ्यूम का कलेक्शन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हैव अ फेटिश फॉर परफ्यूम्स ऑल्सो। ये जितनी सारी परफ्यूम्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो मैं सब एक साथ रखा हुआ है। एंड ओ बाय द वे, मेरा पोलरॉइड लोड हो गया, वो मेरा पता है चश्मे में फ्लैश आया, बट ठीक है, तो ये मेरा पोलरॉइड है, मैं आपको दिखाऊंगी और सारे पोलरॉइड्स में। एंड मिस्टर पेंगुइन को हाई बोल सकते हो आप, छोटा सा पेंगुइन। मेरा मेकअप का सामान यहाँ पे है, मेरा वैनिटी, मेकअप वैनिटी, तो बहुत ही क्यूट सा ट्रांसपेरेंट छोटा सा वैनिटी है मेरा। यस, ये है मेरा वैनिटी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी पापा के रूम में मैंने थोड़ा सा खुद का रखा हुआ है। तो ये है हारमोनियम, मेरी मम्मी की मम्मी की मम्मी का है, सो इट्स लाइक जनरेशन टू जनरेशन नीचे आ रही है। मेरी पर दादी, पर नानी का है, तो मेरी मॉम की जो मॉम है उनकी मॉम, तो वो भी हारमोनियम बजाती थी, फिर मेरी नानी भी बजाती थी, मम्मी भी बजाती है, मैं भी बजाती हूँ, एंड इसलिए इसकी बहुत रिस्पेक्ट है घर पे, क्योंकि यू नो एक ही एक ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी बहुत ही खास माना जाता है हमारी बंगाली कल्चर में। ये जो डायरी है ये इतना पुराना इससे दिखता क्योंकि ये है पुराना, क्योंकि मैं जो थर्ड स्टैंडर्ड में थी ये तब की बुक है, जो हम डायरी लिखते हैं ना सीक्रेट डायरी, तो आई यूज़ टू राइट कुछ कुछ चीज़ें, मैं 4 ईयर्स की थी या समथिंग, कहाँ गया, मैं आपको एक दो चीज़ें तो दिखा ही सकती हूँ ऑब्वियसली, मेरी हैंड राइटिंग, हाँ ओके, मैं ये दिखा देती हूँ। आई एम अनुष्का, आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, आई हैव लॉट ऑफ सॉफ्ट टॉयज, आई टेक माई टेडी वैन आई स्लीप, I go to school every day. My school's name is Ryan International School. Today is Saturday. On Saturday we have holidays. I'm in senior KG. मतलब 11 साल पहले की writing है मेरी. That is so amazing. फिर मैंने लिखना बंद कर दिया था. That is so not nice. Almost I guess 2-3 साल लिख के I guess I stopped. Sindra का ये favorite pose है. वो ऐसे ही Sindra. Wow, what a big celebrity, my God. Say hi to Miss Sindra. Hi, how are you doing, buddy? Yes. Sindra, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं उसके पास इतना देर रह नहीं पाती हूँ क्योंकि हम ट्रैवल करते रहते हैं. वाह, आराम से मेरे रूम में चले गए. तो जो डायरी की बात है वो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरी ना, जैसे लोगों की एक डायरी होती है, दो डायरीज होती है, या जितने ख़त्म होती है तब दूसरी, मेरी ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारी डायरीज हैं, यू नो चेंज होती रहती थी, बट फिर अभी मेरे फाइनली एक अच्छी सी डायरी है जो मैं आपको दिखाऊंगी फाइनली। मेरा रूम, ये ओके, पहले डांस,
Come in. तो यह है मेरा रूम, मेरा सबसे खास रूम, मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यार है मेरे रूम से. यह मेरे पोस्टर, जैसे मैंने बोला था मेरा ड्रीम रूम कैसा है. प्रॉब्ली आई एम काइंड ऑफ गोइंग टू माई ड्रीम रूम, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ये सारी चीज़ें. ये तो मेरे फ़ैन आर्ट्स हैं, वो भी मैंने रखे हुए हैं क्योंकि मेरे फैंस मेरे लिए बहुत खास हैं. वेयर नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा है आई लव ट्रैवलिंग, मैंने वेयर नेक्स्ट इसलिए रखा है ताकि आई एक्चुअली विजिट दीज प्लेसेस. मेसी, फुटबॉल, सेलिना गोमेज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन, आई रियली रियली लुक अप टू हर. रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मेरी फेवरेट एक्टर, हु डाइड इन द मूवी विच वॉज सो सैड, आई लव यू 3000. ये मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि एक्सीलेंस अवार्ड फॉर क्रिएटिव कंटेंट क्रिएशन, बहुत ही रेयर अवार्ड है वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे पर्ल एकेडमी से मिला है. ये है एक क्लॉक, प्रॉबली आई विश कॉमन सेंस वॉज मोर कॉमन, आई एक्चुअली विश. फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, वो एक सीरीज था, मैरिलिन मोनरो ऑब्वियसली, बहुत ही कलरफुल. एक तो वो पोस्टर बहुत अच्छा लगता है, कलर्स उसके बहुत ही नियॉनिश है. Vampire Diaries, Damon Salvatore, the love of Vampire Diaries series, मैं बहुत अच्छा लगता है Damon Salvatore. Riverdale, एक और मेरी Netflix की series जो मुझे अच्छी लगती है. Michael Jackson and One Direction. Harry Styles मेरा favorite है. And Michael Jackson बचपन में मैं diaries में लिख के रखती थी कि I want to meet Michael Jackson, but then he went off, he actually died, so I felt very bad. ये है बैठने की जगह, इट्स वेरी कूल ऐसे, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है. ओके, जो जब बारिश बहुत ज़ोर से भी होती है ना, तो वहाँ जो पहाड़ है वहाँ फॉग हो जाता है, तो आप ऐसे जब रात होती है ना, तो मैं ये लाइट सिर्फ जला के और सारी लाइट्स बंद कर देती हूँ, तो हल्की सी लाइट रहती है. यहाँ बैठ के यू कैन हैव योर फेवरेट डिश और फेवरेट स्नैक, प्रॉब्ली स्टारबक्स और समथिंग, और अ वॉफल और पिज्ज़ा. मेरे दोस्त यहाँ थे तो वी ऑल चिल आउट हियर, सो इट्स रियली नाइस. एंड ये है मेरा कारपेट, मुझे ऐसे कारपेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड ये है मेरा बेड, मेरा बेड. एंड ये है मेरी टेडी बेयर फैमिली, तो ये इसका नाम है नोवा. नोवा इसलिए रखा है क्योंकि मेरा नोवा सेंटिनो बहुत अच्छा लगता है. तो नोवा, ये बहुत खास स्टोरी इसके पीछे. तो मैं जब चाइना गई थी, तो वो जो गेम होती है ना कि ऐसे वाली, करेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, जो क्लॉ मशीन होती है, हाँ क्लॉ मशीन. तो ऐसा जैसे हमारे इंडिया में कैसे होता है, हम मॉल्स में जाते हैं, क्लॉ एक दो मशीन रहती है ऐसे, बट वहाँ एक सिर्फ दुकान थी सिर्फ क्लॉ मशीन की, और बहुत ही नियॉन लाइट्स लगाई हुई थी. इट वॉज अ पिंक कलर का स्टोर, बहुत सारे क्लॉ मशीन, उसमें से ये मेरे को चाहिए ही था. मैं 5-6 बार 7-8 बार ट्राई करके फिर मुझे फाइनली मिला, बींग वेरी ऑनेस्ट गाइस. मिनियन, तो मिनियन सबका फेवरेट होता है. एंड मेरा एक और पांडा, भाई मेरे पास कितने पांडा है, मेरे पास पूरी पांडा, मतलब पूरी दुनिया है मेरे पास पांडा की. आई लव पांडाज. एक तो मैं जब से उन्हें रियल में देखा है और मुझे अच्छे लगे हैं, मतलब अगर मैं स्पिरिट एनिमल, अगर आप मुझे पूछते कि कौन सा स्पिरिट एनिमल अगर मेरे को चाहिए होता, तो वो होता पांडा. ये एक्चुअली बहुत स्पेशल है, मेरे 16th बर्थडे में जो 16 गिफ्ट थे मेरे दोस्तों ने दिए थे, निधि एंड कीशा, तो ये उसमें से एक था. ये मेरी लाइट्स, जो मैंने बोला कि मैं सिर्फ वो लाइट्स जला के मैं और सारी लाइट्स बंद कर देती हूँ. मैं थोड़ा सा योगा करती हूँ, आई मीन 15-20 मिनट्स ट्राई करती हूँ कि ओह शिट, ओके, योगा पोज अभी करना हो तो ये योगा पोज है ना, नहीं ये है ये भी है, किल्ड इट. ओके, ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए. ये चाइना से एक आर्टिस्ट ने मेरे लिए मुंबई भेजा था, जब मैं चाइना नहीं जाने वाली थी, मेरे को नहीं पता था कि हम चाइना जाने वाले, तो उन्हें लगा कि मैं चाइना पता नहीं कब आऊँगी, तो उन्होंने मेरे मतलब वेलकम के लिए, जब लाइकी का मैं तो क्यों, बिकॉज आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लाइकी, तो उन्होंने मेरे लिए ऐसे बनाया था एक स्केच, तो आई रियली लव इट क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है उसमें, तो दैट्स वाई. अब मैं दिखाती हूँ आपको ये भी, ऑब्वियसली फैन आर्ट से भरा हुआ है मेरा रूम, बिकॉज आई लव माई फैंस एंड उनके आर्ट. तो ये है मेरा क्लोजेट, सबसे पहले ये सूटकेस बहुत भर भर के, बाप रे ऊपर, ओके. तो ये है मेरा क्लोजेट,
ऐसा ना नीट है, मैं ट्राई करती हूँ नीट रहे, बट रहता नहीं कभी कभी, बहुत मैसअप हो जाता है. लकी हूँ मैं आज कि आप आज आए और आज साफ है, आज क्लीन है, बिकॉज हम इतना ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एवरीथिंग मिक्सेज अप. बट अभी राइट नाउ आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल, तो यू नो थोड़े से बाहर जाने के कपड़े हो या ये गाउन्स हो गए या थोड़े से नाइस टी शर्ट्स, यहाँ लेगिंग्स भी है, बहुत सारे कैप्स हैं. लाइक ये चाइना से कैप है, कैप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. और ये बहुत क्यूट सा कैप, एक और पांडा कैप. और आई गेस शॉर्ट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, बहुत सारे चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई है. एंड लास्ट परचेज बहुत सारी है एक्चुअली. ओके, मैं जब चाइना गई थी मैं बहुत सारी शॉपिंग की, तो ये एक टॉप है जो मैंने सोचा है मैं बर्थडे में जब सुबह के टाइम होगा वो मैं पहनूंगी, आप देखेंगे. इट्स अ टॉप, फुल ग्लिटर वाली टॉप है, नेट की. वन सेकेंड, या ये नेट की टॉप है, तो इसे मैं पहनूंगी विथ अ पिंक स्लिप इन साइड लाइक दिस. तो ये मैं नेक्स्ट, यू नो ये मैं रिसेंट यू नो मैंने शॉपिंग जो की थी चाइना से उसमें से एक है, क्योंकि मैं सोचा बर्थडे में यू नो समथिंग ब्लिंगी मैं पहन पाऊँ. एंड ऑल्सो ये गिफ्ट भी है किसी के तरह, चाइना में ही मैं गई थी तब किसी ने मुझे गिफ्ट की वहाँ पे वन पीस. तो नेक्स्ट चीज़ मैं दिखाऊंगी ये सेल्फ केयर, मैं पैंडा हेयर बैंड पहन लेती हूँ. ओके, एंड ये सेल्फ केयर, मैं चाइना जाके बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया. दिस इज़ यू नो फेस मास्क, जब मैं घर पे होती हूँ खुद को पैम्पर करना हो, क्रीम्स बहुत सारे और फेस मास्क, मैं बस बहुत ज़्यादा सारे फेस मास्क है, टन्स ऑफ देम. एक और फेस मास्क, कितने सारे फेस मास्क. एंड आई गेस नेल पॉलिश, जैसे मैंने कहा मेरे को ब्लिंगी बहुत अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा लगता है, देन ये वाला अच्छा लगता है. लेंसेज भी है मेरे, क्योंकि मुझे लेंस पहनने का बहुत शौक है. मोस्ट ऑफ देम नंबर वाले होते हैं, कोई कोई नंबर वाले नहीं होते, जैसे ये नंबर वाला नहीं है. ये मेरे फैंस के जितने यू नो लेटर्स आते हैं या जैसे जो भी गिफ्ट्स आते हैं मैं यहाँ रखने की कोशिश करती हूँ. जैसे ये रिसेंटली हमने इंडिया फोरम्स के साथ ही किया था गिफ्ट सेगमेंट, डायरी, मेरी रिसेंट डायरी, मतलब जो मैं एक्चुअली लिख रही हूँ अभी. आई हैव मेड अ कंडीशन कि जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक मैं दूसरी डायरी नहीं लिखूंगी, तो मैं ये लिख रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू कीप यू नो थिंग्स, आई एम राइटिंग डाउन थिंग्स, मेरी जितनी भी ट्रिप्स हो रही है सब कुछ मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ. एंड व्हाट एल्स, हाँ, टू मेनी लेंसेज. मेरी स्क्रिप्ट्स, जितने मैं मूवीज़ करती हूँ जितने भी स्क्रिप्ट्स होते हैं या जितने भी जो फाइल्स होती है वो सब वहाँ रखती हूँ. ये मेरा एक और क्लोज़र, क्योंकि सारे कपड़े एक में नहीं आते. ये मेरे जैकेट्स हैं जितने, ये है मेरा फॉर्मल कोट क्योंकि मैं स्कूल फंक्शन जब अटेंड करती हूँ तब. ये है लेदर जैकेट, एक ब्लैक लेदर जैकेट तो यू शुड ऑलवेज कीप. सम रियली कूल जैकेट्स आई हैव हियर, मुझे जैकेट्स पहनने का बहुत शौक है. एंड डिफरेंट डिफरेंट जैकेट्स, लेदर जैकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ग्लिटरी जैकेट. एंड स्कूल का ड्रेस, सबसे बोरिंग पार्ट स्कूल का ड्रेस, आई डोंट लाइक माई स्कूल ड्रेस. आई मीन इट्स फाइन, इट्स नॉट बैड, बट फिर भी. एंड ये मेरे नाइट का है. फिर ये मैं जिम जाती नहीं हूँ, बट मेरे डांस के कपड़े हैं. मैं अभी डांस क्लास वापस जाना शुरू किया है. एंड तो यू नो हुडीज़, फिर ट्रेडिशनल ड्रेसेस जैसे कश्मीर जाते वो वाली जैकेट्स, तो सब कुछ ऐसे अलग अलग रखा हुआ है. लेदर जैकेट, माई फेस मास्क एंड माई पांडा कैप और एनी कैप. सो कैप, फेस मास्क एंड लेदर जैकेट. तो बिकॉज वी ट्रैवल सो मच डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज, मी मॉम एंड डैड, तो अलग अलग साइज के हैं मोस्टली. एक पहले, ये बहुत पहले वाला था जब मैं एकदम आई यूज टू लाइक सूट केस, वो प्रिंसेस वाली सूट केस जो होती है वो वाला है. फिर देन आई रियलाइज कि नो आई एम टू ओल्ड फॉर दैट नाउ. सो आई गॉट अ न्यू सूट केस, बिग सूट केस, छोटा सूट केस, ये सूट केस. अरे आपको पता है एक सूट केस वाली स्टोरी, मैं अभी गई थी चेंगदू चाइना,
तो मेरे जो सूटकेस थी तो यू आर सपोज टू यू कैन रीच डायरेक्टली टू चाइना चेंगदू सो यू हैव टू गो टू अ प्लेस देन यू कैन गो. तो मैं मुंबई से गई आबू धाबी एंड आबू धाबी से आई वेंट टू चेंगदू. तो मेरे जो सूटकेस है मुंबई से चाइना जाती है डायरेक्टली राइट. तो मैं जब चाइना लैंड की मुझे पता चला कि मैं सूटकेस आबू धाबी में ही रह गया है. स्कैरी. फिर वापस मिल गया दो दिन बाद बट इट वॉज़ वेरी बैड. इट वॉज लाइक आई वॉज सो अपसेट. आई वॉज लाइक अरे मेरी सूटकेस और इतना बड़ा सूटकेस है. इट्स लाइक अ सिल्वर सूटकेस इतना बड़ा. इट्स लाइक दो प्रोफेशनल वाला नहीं होता. तो वी वेंट विद दैट. एक ही सूटकेस हमारे पास था. एक सूटकेस नहीं था. तो आई हैड नो क्लोथ्स. Talking a little more about the room, tell us, what does your room tell about you as a person? I think I watched a lot of Netflix shows and I like a good quiet view and I love teddy bears. If you had to add something to your room, what will it be? There are a lot of things I have to add. Neon lights, jo hotel aise likhe hue hote hain, some sentences, good sentences. So probably I have to add those there or there. If you had to eliminate something from your room, what will that be? I guess, I don't know, suitcase? There are a lot of suitcases. I don't think there's a need for it. So I'd probably eliminate that. One thing you love the most about your room? I think it's very colorful and vibrant. I mean, when I'm very tired, if I come to my room, I just feel really good. One corner of your room where you spend most of your time? Bed. No, I'm lying. I don't sleep a lot. I guess beanbag pe baith ke us taraf I spend my time mostly. One celebrity's room you wish to peek in? Ah, Shah Rukh Khan, Sara Ali Khan, Ishan Khattar. Tino hua. I would love to see how they decorate their rooms. I guess Shah Rukh Khan's room would be a lot of awards. Maybe he has a separate room for awards. And probably his room would be very... like very classy, obviously, because we have seen his house from outside. It's so classy from the outside. The inside will be so dope. Thank you so much, India Forums, for coming and doing this house tour, because a lot of fans were asking me, when are you going to do a house tour? When are you going to do a house tour? So thank you so much, India Forums, for always getting amazing segments. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. Hi guys, so if you like the house tour, don't forget to like, share and subscribe. We hope that you guys enjoyed this chat with Anushka. If you did, do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to India Forums Addiction at its best. Simran Mishra, camera person Mangesh and Babaji, India Forums, Mumbai.